नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन. यू नो व्हाट इज फ्रिक्शन? जब हम एक बुक को या एक ब्लॉक को, वुडन ब्लॉक है आपके पास, एक क्रेट है सपोज, यू ड्रैग इट ऑन द फ्लोर, तो व्हाई यू हैव टू पुश इट हार्ड अगेंस्ट द फ्लोर? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सम फोर्स इज अपोजिंग योर फोर्स. अगर कोई फ्रिक्शन ही ना होता तो हम एक चीज को हाथ लगाते वो वहां तक चली जाती है ना. तो इसका मतलब हमारी फ्रिक्शन, हमारे अप्लाइड फोर्स को कोई चीज अपोज करती, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन. इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले, opposing force that comes into play when an object moves over a surface. ठीक है. So we are applying the force in this direction. This is our applied force. In turn, where contact is there, an opposing force of friction will come into existence. इसको F capital कर लो. This is force of friction. ठीक है. The weight is acting in the downward direction, which is balanced by reaction of floor, equal and opposite. तो अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पे डिपेंड करता है, वेदर द ऑब्जेक्ट विल मूव और नॉट, इट विल डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्सेस अलोन. अगर हमारा अप्लाइड फोर्स इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है, ओनली देन द ऑब्जेक्ट विल बी मूव, अदरवाइज इट विल बी एट रेस्ट. सो देयर आर, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? रफनेस ऑफ द सर्फेसेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. Roughness of the every smooth looking surface is also rough to some extent. So a surface can be drawn in the form of hills and grooves. Okay, there are different theories related to the cause of friction, origin of friction, but this is one most common theory according to which every surface is in the form of hills and grooves. ये जैसे ये हिल्स हैं और ये ग्रूव्स हैं, हिल्स ग्रूव्स, ठीक है, हिल्स एंड ग्रूव्स. अब दूसरा सरफेस जो है वो भी ऐसे ही है. सो व्हेन वन सरफेस, व्हेन वन ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मूव ओवर अनदर सरफेस, तो हिल्स ऑफ वन गेट फिटेड इनटू ग्रूव्स ऑफ अदर. सो इंटरलॉकिंग टेक्स प्लेस लाइक दिस, इंटरलॉकिंग विल टेक प्लेस. So if we want the motion to take place, we have to break these interlockings. So pehle hame interlockings ko break karna padega. We have to overcome the force of friction and only then the motion will take place. So the cause of friction in all the cases is roughness of the surface. Aap unko oil kar dete ho, grease kar dete ho, phir bhi unko rub kar dete ho. ठीक है, सैंड पेपर से रब कर दे, तब भी वो हर स्मूथ सरफेस भी कुछ रफ अभी भी होगा. ऐसे नहीं होगा कि अब वो ऐसे स्लिप होता जाए आराम से, आपने एक पुश दिया और वो वहां तक भाग गया, ऐसे कभी भी नहीं होगा. कुछ फ्रिक्शन हमेशा रहे. और एक टर्म आती है कोल्ड वेल्डिंग. जब फ्रिक्शन कुछ ज्यादा ही ओवर स्मूथ सर्फेसेस अगर कॉन्टेक्ट में आ जाए तो फिर भी फ्रिक्शन हो जाता है, उसको कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है. ठीक है, चलिए. सो दिस इज रफनेस ऑफ द सर्फेसेस अपियरिंग एज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग एंड रोलिंग, sliding and rolling. By the name it is clear, sliding friction when one object slides or moves over another surface, then the friction is called sliding friction. Sliding friction is when an object moves over a surface, then the friction is sliding.
स्लाइड कर रही है, जब वो मूव कर रही है। और ऑन द अदर हैंड एक बॉल है जो रोल कर रही है, फ्लोर पे बॉल है, तो तब वो रोलिंग फ्रिक्शन। सो बाय द नेम इट इज क्लियर, रोलिंग फ्रिक्शन मीन्स द फ्रिक्शन दैट अपीयर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस। फ्रिक्शन दैट अपीयर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस। अब सपोज कर लो कि एक सिलेंडर है, आपके घर में वो सिलेंडर देने आया है, हाँ, तो अगर तो आप उसको ड्रैग करके लेके आते हो वो फिल्ड सिलेंडर को, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू, देयर विल बी लॉट ऑफ फ्रिक्शन व्हेन यू मूव इट, बिकॉज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मच ग्रेटर। उसी सिलेंडर को अगर आप रोल करके फेंक दो, रोल कर दो, तो इट विल वेरी इजिली स्लाइड, रोल करने में बहुत ईजी हो जाएगा। सो इट इज नोटिस दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Rolling friction is much less than the sliding friction. ठीक है, आप बहुत इजीली किसी चीज को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, स्लाइडिंग को रोलिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सपोज कर लो कि अदरवाइज ये जो डस्टर है इसको आप स्लाइड करोगे तो कुछ फ्रिक्शन आएगा, ठीक है, और अगर आप इसके नीचे व्हील्स लगा दो या ये चौक सी रख दो, तो अब ये देखो कितनी इजीली रोल कर रहा है। सो वी हैव कन्वर्टेड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। आप घर पे पेंस या जो पेंसिल है उसके ऊपर स्लाइड करके देख सकते हो, इसमें एफर्ट कुछ भी नहीं लगेगा और इसमें बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा कंपैरेटिव। ठीक है, नाउ व्हाट आर द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, पहले टाइप्स पूरी कर लेते हैं। Further sliding friction is of three types. Static friction, limiting friction, kinetic friction. Kinetic friction is also called dynamic friction. There are basically three types of sliding friction. What does the word static mean? Rest. Static word means it is at rest. अब suppose there is a refrigerator here. यहाँ refrigerator पड़ा है, ठीक है, आपको नहीं पता कि वो इतना हैवी है, आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हो, आपको लगता है तो मूव कर ही जाएगा, आपको आइडिया नहीं है कि कितना हैवी है, आप उसको थोड़ा सा फोर्स लगाते हो मूव ही नहीं करता, हिलता तक नहीं। तो इसका मतलब आपके अप्लाइड फोर्स को किसी और फोर्स ने काउंटर बैलेंस कर दिया और उसको कैंसल आउट कर दिया, मोशन डजंट टेक। आप थोड़ा सा और इंक्रीज करते हो अभी भी नहीं मूव किया, इसका मतलब वो जो फोर्स था वो आपके फोर्स के इक्वल हो गया, अपने आप उसने एडजस्ट कर लिया और फिर से आपको कैंसल कर दिया, अगेन द मोशन इज नॉट अगेन। थोड़ा और आपने फोर्स लगाया, अगेन इट डजंट मूव, दैट मींस दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज एडजस्टिंग इटसेल्फ and becoming equal to your applied force every time and it is cancelling out. So that means the static friction is the force of friction that comes into existence till the body is at rest. जब तक body move नहीं कर रही तब तक static friction आता ही रहेगा, और ये self adjusting force है, it is a self adjusting force, it adjusts its magnitude always equal to the magnitude of applied force and hence it cancels it out. ठीक है, तो लिखिए स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन दैट अराइजेस, इट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन दैट अराइजेस टिल द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, टिल द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑन अ सरफेस even after applying a force, till the object is at rest on a surface even after the application of a force. मतलब force लगा रहे हैं तब भी वो object rest पे, इसका मतलब static friction आ रहा है, and you write this statement, it is a self-adjusting force. Static frictional force is a self-adjusting force. It balances itself always.
and always it becomes equal to applied force so that the motion is not taking place. अपने आप पर adjust करके motion को होने ही नहीं देता. So it's a self adjusting force. ठीक है. अब आप पूरा दम लगा देते हो. आप कहते हो मैंने तो इसको मूव करके ही रहना है ना. तो आप बिल्कुल ऐसे करके आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो. सबसे ज्यादा जोर आपका उसी टाइम लगता है. अभी आपको फ्रिज अभी भी मूव नहीं हुआ है बट इट इज अबाउट टू मूव. आपको लगता है बस ये मूव करने ही लगा है. ठीक है. सो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है अभी वो रेस्ट पे. फ्रिज मूव नहीं हुआ पर आपको लग रहा है कि बस मोशन स्टार्ट होने ही वाली. इट इज ऑन द वर्ज ऑफ मूवमेंट. इट इज अबाउट टू मूव. सो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दैट अराइजेस That arises when the object is about to move. When the object is about to move on application of a force. When the object is about to move on the application of a force. तो ये highest static friction. Static इसलिए क्योंकि object move की तो है नहीं है तो static ही. पर ये मैक्सिमम है. बस उसके बाद काइनेटिक शुरू हो जाएगा. अब काइनेटिक क्या है. अब आपने बहुत जोर लगाया फ्रिज मूव करना शुरू हो गया पर क्या अब आप उसको छोड़ दोगे तो वो चलता रहेगा. स्टिल यू हैव टू वर्क हार्ड. स्टिल यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स टू कीप इन कीप इट मूविंग बट विद स्मॉलर फोर्स. उतना फोर्स अब हर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा आपको जितना आपने स्टार्ट करने के लिए. सो इट इज इजियर to maintain the motion than to start the motion. ये conceptual question है तो इसमें भी आप यही point बताओगे. It is easier to maintain the motion than to start the motion. Because when we start the motion, limiting friction will be there. That is a maximum static friction. Or when we have to maintain the motion, then kinetic friction is there and kinetic friction is less than limiting friction. ठीक है. तो बाद में मोशन को मेंटेन करने के लिए कंपैरेटिवली कम फोर्स चाहिए. एक बार आपने साइकिल चला लिया शुरू करने के टाइम प्रॉब्लम आएगी. जब एक बार चढ़ गए आप उसके बाद ठीक है. उसके बाद आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है ना. तो लिखिए काइनेटिक फ्रिक्शन. इट्स अ टाइप ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन दैट अराइजेस. इट्स अ टाइप ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन दैट अराइजेस when the object is when the object has started moving when the object has started moving over a surface when the object has started moving over a surface usko aap bologe kinetic friction and kinetic friction is less than limiting friction. Kinetic friction is less than limiting friction. So we can plot a graph between all the three types of friction. This is applied force and this is our frictional force. So first of all it is directly proportional becomes maximum aur uske baad kam force chale. Theek hai. To ye directly proportional hai jo wo kaun sa hai static. अपने आप उसके इक्वल हो जाता है. हाईएस्ट कौन सा है लिमिटिंग एंड देन टू मेंटेन ये कौन सा है काइनेटिक. सो ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन वी हैव मार्क्ड हियर. इज दैट क्लियर. रेस्ट पे आप ग्राफ बना रहे हो ना. अप्लाइड फोर्स के साथ स्टैटिक फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी. तो और जब ये मैक्सिमम हो गया वो लिमिटिंग.
Now the laws of kinetic friction. Laws kya hain? There are four rules. Laws of kinetic friction. First is force of friction is directly proportional to the mass of object, weight of object. या आप कहोगे normal reaction. आप ये लिखो सीधा. Force of friction is directly proportional to the normal reaction. उसके directly proportional है. ठीक है, ये ऐसे है. This is applied force and this is force of friction. ऐसे ही है ना. तो F proportional to R का मतलब यहाँ constant लगाते हैं mu R. ये बन गया आपका formula. Where mu is called coefficient of friction. Mu is called coefficient of friction. ठीक है, where mu is coefficient of friction. How will you define it? Ratio of force of friction to the normal reaction. अगर define करना हो तो यही ratio के form में आप कर सकते हो. It is the ratio of force of friction to the normal reaction. So it has no unit. Reaction भी एक force है, ये friction भी एक force है. So no unit. ये लिख लीजिए. What is the unit of coefficient of friction? No unit. अब यहां से from the diagram what is R? R is equal to mg. R is equal to mg. तो आप लिख सकते हो F is equal to mu mg. अब g भी constant है for a place. Mu भी एक surface के लिए constant होगा. That means force of friction. आप चलो इसको पूरे को ही ले लो. Weight के ऊपर depend करता है. So heavier is the object, greater will be the force of friction. ठीक है, जितनी heavy होगी object, इसका मतलब ये indirectly उसके weight पे ही depend करता है. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑल राइट, सेकेंड रूल, सेकेंड लॉ है अबाउट द डायरेक्शन. सिंपली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली, ठीक है, अलोंग द इंटरफेस या अलोंग द सरफेस सेपरेटिंग द टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टेक्ट. यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो रहा है ना, तो ये उस इंटरफेस जो उन दोनों ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर रहा है उसके अलोंग एक्ट करेगा ऑपोजिट टू द मोशन. तो इसलिए मैंने इसको यहां ड्रॉ किया, यहां नहीं ड्रॉ किया, ये कॉन्टैक्ट के अलॉन्ग एक्ट करेगा. सो दिस इज अबाउट द डायरेक्शन. और ऑपोजिट तो हमें पता ही. लिखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट टेंजेंशियली अलॉन्ग द इंटरफेस, एक्ट टेंजेंशियली अलॉन्ग द इंटरफेस separating two objects, along the interface separating two objects, comma opposite to the motion, yeah, in the opposite direction, in the opposite direction. ठीक है, थर्ड इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसेस. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसेस. अब कॉन्टैक्ट का एरिया कम हो ज्यादा हो उससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल, अ लार्ज बाइसाइकिल ब्रेक इज इक्वली इफेक्टिव एज अ स्मॉल बाइसाइकिल ब्रेक. ब्रेक जो होती है ना साइकिल पे, वो ब्लैक सा पोर्शन रिम के साथ टच करता है, वो बड़ा हो छोटा हो इफेक्ट वही हो. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसेस. एग्जाम्पल, अ लार्ज बाइसाइकिल ब्रेक
is equally effective as a small bicycle brake. A large bicycle brake is equally effective as a small bicycle brake. Fourth is, force of friction depends on nature of surfaces in contact. It depends on nature of surfaces in contact. Obviously depend करेगा. अब एक साइड पे आपने ले लिया सैंड पेपर, कितना रफ है वो, उसके ऊपर वुड का ब्लॉक रख दिया, वुड को आपने सैंड पेपर पे मूव करवाया, ठीक है, ये आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में. दूसरे केस में आपने ग्लास की प्लेट ले ली, उसके ऊपर स्टील की बॉल रख दी, इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सपोज F2 है, तो F2 विल बी ऑब्वियसली लेस देन F1. नेचर ऑफ सर्फेसेस, ये दोनों स्मूथ सर्फेसेस हैं और ये बहुत ही रफ सर्फेसेस हैं, ऑब्वियसली इस केस में फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शन इन द स्टील, ठीक है. सो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सर्फेसेस एंड कॉन्टैक्ट. इफ द सर्फेसेस आर रफ, फ्रिक्शन विल बी मोर. इफ द सर्फेसेस आर स्मूथ, फ्रिक्शन विल बी लेस. Clear? So these are four laws of friction. ये तो एग्जाम्पल ही है. रिद्धि को नींद आ रही है. Next is angle of friction, theta. Angle of friction. अब वही फिर से दोबारा डायग्राम बनाते हैं. An object on the table, normal reaction upward, weight in the downward direction. This is applied force and this is force of friction. ठीक है, then what is suppose हम in force of friction or result reaction का resultant निकालते हैं by completing parallelogram and finding the diagonal. Diagonal आपको resultant देगा. R dash is the resultant of force of friction and normal reaction. So angle that this resultant makes with normal reaction is called angle of friction. बस इसी को देख के आपने define करना. So angle of friction is angle that the normal reaction makes with resultant of force of friction and normal reaction. ठीक है, R dash क्या है वो देखो ना, angle between force of friction and normal reaction. और ये R itself normal reaction. तो लिखो definition. ये आपने force of friction normal reaction का resultant बनाया. ये रिजल्टेंट जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. बस इसी को वर्ड्स में लिख देंगे ना. सो लिखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन. इट इज द एंगल दैट द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद, इट्स द एंगल दैट द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द रिजल्टेंट ऑफ, makes with the resultant of force of friction, resultant of force of friction and normal reaction, resultant of force of friction and normal reaction. Okay, so force of friction ki definition hogi. Ab iska derive kar lete hain formula yahan se. Suppose this is O point, okay, this is A point and this is B point. So in right angle triangle OAB, in right angle triangle OAB, what will be tan theta? Bataiye. What is this? Perpendicular. हाँ ये F T equal है ना? और ये आ रहा है आपका. तो ये AB over OB हो गया. And what is AB? Force of friction and OB is R.
And what is the ratio of force of friction to normal reaction? Coefficient of friction. So this is the relation between coefficient of friction and angle of friction. Mu is equal to tan theta. Relation between coefficient of friction and angle of friction. Relation between coefficient of friction and angle of friction. Mu is equal to tan theta. Clear hai ye topic? नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज. एक और एंगल होता है हमारा इस केस में, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा. अब सपोज कर ले एक ऑब्जेक्ट यहां पड़ी है, कैन यू मार्क फोर्सेस ऑन दिस ऑब्जेक्ट? बना सकते हैं इसके फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं? एक तो वेट बिल्कुल वर्टिकल एक्ट करेगा. ध्यान से देखो इधर, आप इधर देखो, इधर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, बट जो रिएक्शन है वो नॉर्मल टू द प्लेन मिलेगी. रिएक्शन वुड बी नॉर्मल टू द प्लेन, है ना. अब इस वेट को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में वेट को. तो अगर ये अल्फा है तो इट कैन बी इजीली प्रूव कि ये भी अल्फा है. इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम वन एंगल, एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर विल आल्सो बी द सेम. अगर दोनों को हम 90 के थ्रू रोटेट करते हैं अभी भी एंगल वही रहे. तो आप देख सकते हो ये दोनों लाइन्स जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर. सो विच कॉम्पोनेंट इज दिस? एम जी कॉस अल्फा एंड दिस कॉम्पोनेंट इज mg sin alpha. So this is how you will resolve always. ये था ना, ये आपका प्लेन था, ये उसका परपेंडिकुलर है, ये आपका हॉरिजॉन्टल था, दूसरा वर्टिकल. तो ये दोनों उनके परपेंडिकुलर. तो ऐसे ही हम बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स हैं जो इसमें इस पे डिपेंड करते हैं. तो इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग दिस साइड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी ऑपोजिट. तो ये मार्क करिए पहले. अल्फा मैंने पहले ही लिख दिया. एक्चुअली अल्फा वो मिनिमम एंगल है, अदरवाइज हम पहले कुछ थीटा लिख सकते हैं. नाउ वी कीप ऑन चेंजिंग द एंगल और देखते हैं कि कहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड नहीं करेगी. कब कब नहीं स्लाइड करेगी? व्हेन दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जस्ट बैलेंसेस दिस कंपोनेंट ऑफ वेट. तो वो मिनिमम एंगल जिसके लिए ऐसे होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज. सो एंगल ऑफ रिपोज इज द मिनिमम एंगल टू विच अ प्लेन मस्ट बी इंक्लाइंड सो दैट एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन इट जस्ट स्लाइड्स डाउन. जस्ट वर्ड मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, मतलब मूव नहीं कर रही है वो, मूव करने वाली. ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे अभी लैब में. चलो लिखो डेफिनेशन. एंगल ऑफ रिपोज, इट इज मिनिमम एंगल टू विच अ प्लेन मस्ट बी इंक्लाइंड. इट इज मिनिमम एंगल टू विच अ प्लेन मस्ट बी इंक्लाइंड, मस्ट बी इंक्लाइंड सो दैट एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन इट, सो दैट एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन इट जस्ट स्लाइड्स डाउन. जस्ट मतलब स्लाइड नहीं कर रही है वो वर्ज पे. सो दैट ऑन एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन इट जस्ट स्लाइड्स डाउन. तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है इस टाइम. तो इक्विलिब्रियम में आर किसके इक्वल होगा? एम जी कॉस अल्फा
And what will be force of friction? Mg sin alpha. So write according to the diagram, these two equations will hold. Divide. What is F over R? Again mu. Sin over cos, tan alpha. So mu is equal to tan alpha also. Or mu tan theta tan alpha se aap ye bhi keh sakte ho, tan alpha is equal to tan theta also. Numerically dono angle same hi aa jate hain. Likh sakte ho. So alpha is tan inverse mu. Ye bhi likh sakte ho. ठीक है. सो ये दो टर्म्स थी, उसके बाद तो वही है. फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल. नेसेसरी क्यों है, इविल क्यों है, ये तो आपने किया ही हुआ है. मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, इंक्रीज फ्रिक्शन. बस हमारा फ्रिक्शन का टॉपिक ओवर हो गया फिर. ठीक है, तो लिख लो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल. नेसेसरी क्यों है, कहां पे है नेसेसरी? वॉकिंग में, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स में, और कहां पे? मैच बॉक्स नहीं चलेगा हमारा उसके बिना. राइटिंग में, स्टिचिंग में, है ना, वॉकिंग, स्टिचिंग, राइटिंग, हर चीज में फ्रिक्शन चाहिए. वॉकिंग, स्टिचिंग, राइटिंग, मैच बॉक्स, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इन व्हीकल्स. तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम खड़े ही नहीं हो सकते थे यहाँ. हम स्लिप ही कर जाते, आप बैठ नहीं सकते थे, आप स्लिप करते, है ना. कोई चीज, ये जो बेंचेस हैं ये यहाँ पे फ्लोट कर रहे होते, कोई चीज नहीं स्टे करती कहीं पे भी अगर फ्रिक्शन नहीं होता. इविल कहां पे? इविल कहां नहीं चाहिए? इट लीड्स टू वियर एंड टियर ऑफ मशीन पार्ट्स. आपके शूज के सोल घस जाते हैं, है ना, उनका डिजाइन सारा प्लेन हो जाता है, तो अब आप स्लिप करना शुरू कर देते हो. सो इट कॉजेज वियर एंड टियर, रिड्यूसेस द लाइफ टाइम एंड एफिशिएंसी. वियर एंड टीयर की वजह से उनकी लाइफ टाइम भी कम हो जाती है, उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है. और क्या होता है? व्हाट एल्स? इट वेस्ट्स आवर एनर्जी, मनी एंड टाइम. हम साइकिल चला रहे हैं बिना मतलब के, एयर की वजह से हमें पैडल हार्ड करना पड़ रहा है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा उससे. इन मोस्ट ऑफ द केसेस फ्रिक्शन लीड्स टू वेस्टेज ऑफ एनर्जी. और रिपेयर कराने में हमारी मनी भी वेस्ट होती है, टाइम भी वेस्ट होता है, रिपेयर करानी पड़ती है, चीजों की एफिशिएंसी कम हो जाती है. सो वी हैव टू गेट द थिंग्स रिपेयर्ड एंड इट रिड्यूसेस देयर लाइफ टाइम. तो हमें उसको रिपेयरेशन में क्या होगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. और कहां पे? अनवांटेड हीट. तो पीपल डीलिंग विद मशीन पार्ट्स, दे मे गेट इंजर्ड बिकॉज ऑफ अनवांटेड हीट प्रोड्यूस्ड, वो हमें डिजायरेबल नहीं होती.